This is question number 46. Read. 1st April 2018, their capitals were A की 50,000, B की 30,000. During the year, 31 March 2019, they earned a profit of 50,000. Interest on capital 6% देना है. A will get a commission of 2% on turnover. I repeat, 2% on turnover. B will get a salary of 500 per month. B will get commission of 5% on profit after deduction of all expense, including such commission. Partners drawing for the year 8,000 and 6,000. Turnover जो है 3 लाख है. After considering the above facts, you are required to prepare P&L appropriation account and partners capital account. ठीक है, तो आपने P&L appropriation और partners capital account बनाना है. फटाफट इसका format बना लीजिए. फटाफट. What is my net profit? 50,000. मेरा net profit है कितना? 50,000. ठीक है, ये मेरा net profit होना चाहिए. आपने अच्छे से check कर लेना है, कोई खर्चा अभी रहा ना हो इसमें. अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है ए को भी और बी को भी. फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बताइए. ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है 30,000. अमाउंट बताइए कैपिटल का. 3,000 और 1,800. ओके, तो टोटल कितना हो गया? 4,800. ठीक है, बी विल गेट A will get a commission of 2% on turnover. I repeat, 2% on turnover. Turnover का मतलब क्या होता है? Sale या purchase. Sale को हम turnover बोलते हैं, okay? So sale हमारी कितने की हुई है? Turnover was 3 lakh. दिख रहा है आपको यहाँ पे? Turnover जो आ रहा है 3 lakh आ रहा है, okay? So turnover 3 lakh है, तो हमने A को commission देनी है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टू पार्टनर्स कमीशन. पार्टनर्स कमीशन हमने ए को कमीशन देनी है कितना? 2% देना है टर्नओवर का. टर्नओवर है 3 लाख. 3 लाख का 2% कितना होता है? 6,000. अब बी को भी कमीशन देनी है. बी की कमीशन की बात हम बाद में करेंगे. इसके बाद देखो, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ. ठीक है, तो बी को हमने सैलरी देनी है. बी सैलरी दैट इज 500 पर मंथ, दैट विल बी 6,000. ठीक है, अब आ जाते हैं हम बी को कमीशन देने 5%. किसका 5%? ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन. अब यहां पर हम वर्किंग्स करने वाले हैं. देखिए, वो कह रहा है बी को जो कमीशन मिलेगी दैट शुड बी 5% ऑफ किसका? 5% प्रॉफिट्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. मतलब इसमें बी की कमीशन भी हमने माइनस करनी है. सो हमारे पास इसके दो तरीके होते हैं. बी की कमीशन को एक्स ले लो, 5%. प्रॉफिट हमारा कितना था? 50,000. अभी तक हमने कितने खर्चे पे कर दिए? एक 4,800 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा 6,000 बी की सैलरी, और जो बी की कमीशन है हमने उसको एक्स माना हुआ था. क्लियर है बात? क्या आपको ये बात समझ आई? बी को हमने एक्स लिया हुआ है. समझ आ रहा है आपको? कोई क्वेरी है तो पूछो. फटाफट देखिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक करेंगे. ठीक है, 6,000 हमने कमीशन माइनस नहीं करी थी, ये हमारा 16,800 आ जाएगा. ठीक है, और ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 33,200 का 5%, 1,660 रुपये आ रहे हैं. 1,660 रुपये. ठीक है, 1,660. तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 1581. ठीक है, ये 1581 आ रहा है, डेसिमल अप्रॉक्स फिगर आ रही है. ठीक है, हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे? एक्स निकाल लिया. व्हाट वाज एक्स? बी की कमीशन निकाल लिया हमने. बी की कमीशन आ रही 1581. ओके, अब देखिए बी की कमीशन यहाँ पुट कर देंगे 1581, तो टोटल आ गया 7581. अब देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा है उसे हम बांट देंगे. ठीक है, टेल मी व्हाट इज द रिमेनिंग प्रॉफिट. हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स. पार्टनर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचा हुआ है? फटाफट बताइए. ये प्रॉफिट के 23,714 और 7,905 हम इसको बांट देंगे ए और बी में. ठीक है, सो आई हैव शॉर्टेज ऑफ स्पेस, तो मैं अब
आगे चलता हूँ फटाफट, आप इसको नोट कर लेंगे, दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। देखिए अब इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते थे वो मैं आपको समझा देता हूँ, शॉर्टकट कैसे होता। देखिए ये जो केस है दैट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस है, जो आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जब भी हम कमीशन निकालते हैं तो हम रेट लेते हैं, 100 अपॉन रेट से डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, प्रॉफिट बिफोर कमीशन से, ठीक है। अब देखिए यहां पर रेट क्या था, 5, एंड व्हाट वाज प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो था 50,000 माइनस जो भी खर्चे थे, खर्चे का टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है 4,800, 6,000, 6,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 105, 33,200, ठीक है। तो जब आप 33,200 को 5 अपॉन 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 1581 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द शॉर्टकट टेक्निक, अगर आपको समझ आती है यू कैन यूज, ठीक है। अदरवाइज आप इक्वेशन फॉर इक्वेशन, ठीक है। अभी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या है कैपिटल का, फटाफट बताइए। 50,000 और 30,000, ठीक है, क्लियर है। पहले हम क्वेश्चन से वैल्यू उठा लेते हैं, और क्या एक हमारा ड्रॉइंग्स भी है 8,000 और 6,000 की, तो यहाँ पर मैं ड्रॉइंग्स भी लिख ही लेता हूँ, 8,000 और 6,000 की। अब फटाफट हमने पार्टनर्स को क्या दिया है, क्या बांटा है वो उठा लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए 3,000 और 1,800, कमीशन दिए 6,000 और 1,581, और बी को सैलरी दिए 6,000, ठीक है। फटाफट आपने मुझे अमाउंट बताने हैं, जल्दी बताइए क्या दिया बी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए कितना कितना दिया है, 3,000 और 1,800, पार्टनर्स को सैलरी दिए बाय पार्टनर्स सैलरी, फटाफट अमाउंट बताइए। सर बी को दिया है 6,000, बी को दिए 6,000, ठीक है। पार्टनर्स को दिए कमीशन, पार्टनर्स कमीशन कितनी कितनी दी है सर, ए को 6,000 और बी को 1,581, ठीक है 1,581, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे कैसे बांटे हैं, 20 ए को दिए हैं 23,714 और बी को दिए हैं 7,905 और बी को दिए 7,905। सही लिखा मैंने 7,105 सर, 9 है वो, 7,905, ओके। अब फटाफट इसके क्लोजिंग बैलेंस आप मुझे बता दीजिए और आंसर चेक कर लेते हैं हम कि हमारे आंसर ठीक है गलत। तो ये हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक निकले हैं, सही है सर आंसर मेरा भी। हाँ थॉरली रीड करना है आपने इस क्वेश्चन को। The firm earned net profit of 1,72,000 before charging any of the above items. Prepare P&L appropriation account. Pass necessary journal entry for the appropriation. अब इसने journal entry बोल दी, capital account बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है हम capital account बनाएंगे। अब फटाफट new video पर join करिए।